अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन में जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे दैट्स गोना बी स्टेप अप। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है ना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली हम CVS की जो हमारे पास मेडिसिन का पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग करेंगे ECG। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ECG इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इसमें टॉपिक्स हो गए, MI हो गया या हमारे पास एंजाइना हो गया, जिसमें हमारे पास ST एलिवेटेड MI होता है, नॉन ST एलिवेटेड MI होता है, तो इन चीज़ों को हमें समझने के लिए ECG का समझना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर दैट हम लोग ECG को थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ठीक है, हमारी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी भी। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम लोगों ने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा ECG के बारे में। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जल्दी से क्विक रिव्यू दे देंगे। ठीक है, और आई होप इट्स गोना बी रियली इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, इट्स बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है वो ECG कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसमें। अच्छा, अब जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, देखें, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे पास स्टार्ट होती है SA नोड से। ठीक है, SA नोड हमारे पास बेसिकली राइट एट्रियम में होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे जाती है AV नोड में, AV नोड से हमारे पास ये जाती है बंडल ऑफ इसमें, फिर प्रोकन्जी फाइबर में, और फिर हमारे पास जो वेंट्रिकल के मसल्स होते हैं ना उधर तक चली जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो हार्ट में ये नॉर्मल इंपल्स है हार्ट की। ठीक है, अच्छा, अब हार्ट की इंपल्सेस को हम लोग चेक करने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ होती है लीड्स और एक होती है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, बेसिकली ये कंडक्टिव पैड्स होते हैं। ठीक है, जो हम बेसिकली चिपकाते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे बॉडी में, तो उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, कंडक्टिव पैड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 6 जो होते हैं ना वो हमारे अच्छा 6 जो होते हैं वो चेस्ट पे लगते हैं। ठीक है, और 4 जो होते हैं वो लिम पर लगते हैं। ठीक है, अब चेस्ट पे किधर लगते हैं, इवन मैं डायग्राम भी इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, उस डायग्राम में मैं आपको ईजिली बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले, अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जो है ना वो 6 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो चेस्ट पे लगते हैं। ठीक है, V1 से लेकर V6 तक। ठीक है, V1 जो होता है ये हमारे पास राइट स्टर्नल बॉर्डर पे होता है। ठीक है, और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। ठीक है, और V2 जो होता है ये हमारे पास लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे होता है और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। ठीक है, अब V4 पे आते हैं। ठीक है, V4 जो होता है हमारे पास फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। ठीक है, और मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है। ठीक है, अब V3 जो होता है ना वो V2 और V4 के बीच में होता है। ठीक है, अब V5 जो होता है ना ये बेसिकली हमारे पास होता है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। V6 जो होता है ये हमारे पास होता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, राइट स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, अच्छा, V2 जो होता है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, अब V3 को छोड़ें फिलहाल के लिए, V4 जो होता है ना वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, और मिड क्लेविकुलर लाइन में होता है। ठीक है, और V3 जो होता है V2 और V4 के बीच में होता है। अब V5 जो होता है ना ये हमारे पास मिड एक्सिलरी लाइन में होता है। ठीक है, अच्छा, और V6 जो होता है ना V5 जो होता है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में होता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और V6 जो होता है ना ये मिड एक्सिलरी लाइन में होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड्स हो गए, वो कंडक्टर पैचेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं लीड्स पे। ठीक है, अब लीड्स जो होते हैं ना बेसिकली हमारे पास 12 लीड्स होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी लीड्स हो गई, देखो, लीड 1, लीड 2, लीड 3। ठीक है, इसके अलावा AVF, AVR और AVL। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है, हमारे पास 12 लीड्स होती हैं। ठीक है, अब लीड्स बेसिकली हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है ना, उसको हम लोग लीड्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज लीड्स। ठीक है, अब हमारे पास इसमें डिफरेंट लीड्स होती है ना, देखो लीड्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं L1 पे। ठीक है, अब L1 में ना हमारे पास क्या होता है ना, देखो ये डायग्राम याद रख लो, मैं इवन प्रॉपर आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा, लेकिन फॉर नाउ उसमें आप यहाँ से देख लो। ठीक है, अभी हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का हमारे पास ये लिम्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास अपर लिम हो गया, लोअर लिम हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, राइट लेग है और लेफ्ट लेग है। ठीक है, रेड येलो ग्रीन और ब्लैक, रेड येलो ग्रीन ब्लैक, ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये उल्टा सी। ठीक है, अच्छा, देखो अब ये जो लीड 1 है ना ये बेसिकली किन दो के बीच में होता है। लीड 1 जो होता है ना बेसिकली होता है इसके बीच में, ये रेड और येलो के बीच में। ठीक है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो लीड 2 होता है ना ये बेसिकली हमारे पास किसके बीच में होता है, रेड और ग्रीन के बीच में होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, और लीड 3 जो होता है ना ये हमारे पास ऐसे करके होता है, किसके बीच में होता है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारे पास ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं। ऑगमेंटेड लीड्स ये होती हैं, दो लीड्स जो होती हैं ना वो जो है ना वो टूवर्ड एक स्पेसिफिक लीड की तरफ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे हम AVR की बात करते हैं ना, AVR इज बेसिकली R है तो राइट याद रखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास AVR में क्या होगा, ग्रीन और येलो कंबाइन होंगे और वो राइट साइड की तरफ ऊपर जाएंगे। ठीक है, AVF में क्या होगा, AVF में ये रेड और ग्रीन कंबाइन होंगे और येलो की तरफ जाएंगे। ठीक है, रेड येलो और AVF में रेड ना सब सॉरी AVR तो हो गया येलो ग्रीन रेड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, AVL क्या है, रेड और ग्रीन येलो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और AVF क्या है, AVF जो है बेसिकली रेड और येलो जो है वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रेड और येलो जो है वो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको ऐसे रेड येलो ग्रीन ऑब्वियसली इस कलर के हमारे पास ये पैड्स होते हैं, लेकिन इस जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है
कि हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारे पास राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये हमारे पास लेफ्ट लेग है और ये राइट लेग है, ठीक है। तो ये आप लीड्स की ऐसे जो है ऑगमेंटेड लीड्स जो होती हैं, दो लीड्स जो होती हैं वो एक एक की तरफ एक उनकी एक थर्ड लीड की तरफ डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद वी वन जो होता है ना, वी वन वी टू जो होता है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेप्टल एरिया ऑफ द हार्ट को, ठीक है। और वी थ्री वी फोर जो होता है ना, अब वी थ्री और वी फोर जो होता है ना बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को, ठीक है। वी थ्री और वी फोर इंटीरियर पोर्शन, वी वन वी टू क्या था, वी वन वी टू हमारे पास था सेप्टल एरिया ऑफ द हार्ट, थ्री फोर इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर फाइव सिक्स लेटरल पोर्शन ऑफ द हार्ट, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर लीड वन जो होता है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट कर रहा होता है लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को, ठीक है। फिर इसके बाद लीड टू जो होता है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट कर रहा होता है इन्फीरियर एंगल ऑफ द हार्ट को, और लीड थ्री भी हमारे पास इन्फीरियर एंगल ऑफ द हार्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ए वी आर जो होता है ना, ये राइट साइड है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ द हार्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, और ए वी एल जो है ना, ये हमारे पास जो है वो ये भी ये लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, और ए वी एफ जो होता है ना, सही है, ये हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कार्डिक जो हमारे पास एक्सेस है ना, देखो सिंपल सी बात है। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है ना, देखो ये हमारे पास राइट आर्म हो गया, लेफ्ट आर्म हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट लेग हो गया, ठीक है। देखो हमारे पास क्या हुआ था कि हमारा जो ए वी आर था ना, ए वी आर कैसे बना था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए वी आर हमारा जब ए वी आर कैसे बनता है, ए वी आर जब हमारे पास जो येलो और हमारा जो ग्रीन है वो कंबाइन होते हैं, देखो ये दोनों कंबाइन होंगे, ये दोनों, और ये हमारे पास जो है वो इस तरफ जाएंगे राइट आर्म की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास ए वी आर बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो गए, ये और ये कंबाइन हो गए, ये राइट आर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो ए वी एल है, ए वी एल कैसे बनता है, ए वी एल हमारे पास रेड और ग्रीन आपस में कंबाइन होते हैं, येलो की तरफ जाते हैं, लेफ्ट आर्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास था ए वी एफ, ए वी एफ कैसे बन रहा था, ए वी एफ बन रहा था जब हमारे पास ए वी एफ कैसे बनता है, ए वी एफ बनता है जब हमारे पास ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, रेड और येलो और ये ग्रीन की तरफ जाते हैं, रेड और येलो कंबाइन हुए और ग्रीन की तरफ जाएंगे तो ए वी एफ बन जाएगा, ठीक है। ये कंबाइन हुए और ग्रीन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लीड वन टू एंड लीड थ्री की तरफ, ठीक है। अब लीड वन क्या होता है, लीड वन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास रेड और येलो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है लीड वन, ठीक है। लीड टू कैसे बनता है, लीड टू हमारे पास बनता है रेड, ठीक है, सॉरी लीड टू हमारे पास बनता है रेड और ग्रीन से, ठीक है। लीड टू कैसे बनता है, रेड और ग्रीन से बनता है, ठीक है। और लीड थ्री कैसे बनता है, लीड थ्री हमारे पास बेसिकली बनता है जो हमारे पास येलो और ग्रीन से बन रहा था, ठीक है। लीड वन जो है वो किससे बन रहा था, लीड वन हमारे पास रेड और येलो से बन रहा था, लीड टू हमारे पास रेड और ग्रीन से बन रहा था, और लीड थ्री जो है येलो ग्रीन के साथ बन रहा था, ठीक है। सही है, कलर से याद करोगे तो बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नॉर्मल ईसीजी पे, ठीक है। अब नॉर्मल ईसीजी में हमारे पास देखो, सबसे पहले ये नॉर्मल ईसीजी की डायग्राम है, ठीक है। देखो ये हमारे पास पी वेव है जो हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल कंट्रैक्शन शो करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये नीचे जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद टी जो होता है वो हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ईसीजी पेपर पे, ठीक है। अब जो ईसीजी पेपर होता है ना, बेसिकली इसमें हमारे पास ईसीजी जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास 10 सेकंड्स का जो टाइम पीरियड का हमारे पास टोटल ईसीजी होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अब जो हमारे पास एक लार्ज बॉक्स होता है ना ईसीजी का, ठीक है, वो हमारे पास 0.2 सेकंड होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लार्ज बॉक्स जो है वो 0.2 सेकंड्स है, ठीक है, तो हमारे पास कितने लार्ज बॉक्सेस होंगे कि हमारे पास 10 सेकंड पूरे हो जाएं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कितने लार्ज बॉक्सेस होते हैं, 50 लार्ज बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप स्मॉल बॉक्सेस की बात करते हो, स्मॉल बॉक्स जो होता है वो हमारे पास 0.04 सेकंड का होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं रिदम, ठीक है, और हार्ट रेट हम लोग कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। देखो रिदम बेसिकली ये होता है ना कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की ना एक सीक्वेंस में जा रही हो, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये आर और आर है ना, ये हमारे पास पीक वेव है, ठीक है, इसके बीच में हमारे पास नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस जो है वो इक्वल आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बीच में इन दो आर के बीच में हमारे पास फोर बॉक्सेस आ रहे हैं, और अगले हमारे पास आर और आर के बीच में फोर आ रहे हैं, फिर अगले भी आर और आर के बीच में फोर आ रहे हैं, तो हमारे पास रेगुलर इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इररेगुलर इंटरवल होता है, इररेगुलर में ये होता है कि दो आर के बीच में थ्री लार्ज बॉक्सेस होते हैं, फिर दो आर के बीच में जो है टू लार्ज बॉक्सेस होते हैं, फिर हमारे पास दो आर के बीच में फाइव लार्ज बॉक्सेस होते हैं, तो ये रेगुलर इंटरवल हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो है रेगुलर इररेगुलर इंटरवल, ठीक है। अब जो रेगुलर इररेगुलर इंटरवल होता है इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दो आर के बीच में चार बॉक्सेस हैं, फिर अगले दो आर के बीच में हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, फिर जो अगले दो आर हैं, ठीक है, उसके बीच में चार आ गए, फिर दो हो गए, फिर चार आ गए, फिर दो, तो ये रेगुलर इरेगुलर रिदम है, ठीक है। अब इसको हार्ट रेट हम लोग कैसे मालूम करने, देखो हार्ट रेट जो होता है ना बेसिकली हार्ट रेट जो होता है ना ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, अच्छा, या बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। अब ये हार्ट रेट रेगुलर रिदम में हम लोग हार्ट रेट कैसे मालूम करते हैं ना, देखो सबसे पहले अगर हमारे पास दो आर है ना, ठीक है, ये हमारे पास पीक वेव होती है, ठीक है, इसके बीच में हम लार्ज बॉक्सेस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लार्ज बॉक्सेस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फोर आ रहे हैं और रेगुलर इंटरवल रेगुलर रिदम है, ठीक है, तो फोर में आपको 300 को आप
300 को आप 4 पे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 75 बीट्स पर मिनट। अब ये 300 क्या है? 300 बेसिकली ये होता है ना, देखो ये इस तरह होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ हमारे पास 10 सेकंड्स में हमारे पास जो होते हैं वो 50 बॉक्सेस लार्ज बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने 60 सेकंड्स में कितने लार्ज बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास 300 बॉक्सेस आ जाते हैं, मतलब एक मिनट में हमारे पास 300 लार्ज बॉक्सेस होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस 300 को डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आ जाता है बीट्स पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास इररेगुलर इंटरवल है, ठीक है, अब इररेगुलर इंटरवल के केस में हम लोग क्या करते हैं, इररेगुलर इंटरवल के केस में हमारे पास जो भी इंटरवल आता है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ पीक वेव्स चेक कर लेते हैं। अब हम नंबर ऑफ पीक वेव्स कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हमारे पास आर कितने आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ आर हमारे पास 6 आए हैं, ठीक है, तो 6 को मैं 6 पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और उससे हमारे पास आ जाता है 36। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट जो है वो हमारे पास 36 है। अब ये 6 तो एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ आर जो हमारे पास आए थे वो 6 है, और ये दूसरा 6 जो है ना बेसिकली हमारे पास 60 सेकंड को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कार्डिक एक्सेस पे, ठीक है। अब जो कार्डिक एक्सेस होता है ना, ये देखो ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट में मैं आपको बता दूँ, देखो लीड वन जो था मैंने आपको बताया था राइट आर्म से जो है वो लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब लीड टू जो था वो हमारे पास कैसे जा रहा था, राइट आर्म से जा रहा था लेफ्ट लेग की तरफ, ठीक है, तो ये लीड टू होगी। लीड थ्री की तरफ जा रहा था, लीड थ्री जो होता है हमारे पास लीड थ्री जो होता है वो हमारे पास लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर एवीआर जो होता है ये हमारे पास जो है वो एवीआर कैसे बनता है, ये हमारे पास लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो है वो हमारे पास लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो होते हैं ये हमारे पास जाता है टुवर्ड राइट आर्म की तरफ, ठीक है, तो ये एवीआर हो जाएगा। एवीएल कैसे होता है, एवीएल हमारे पास जो है ये लेफ्ट अच्छा अब एवीएल कैसे बनता है, एवीएल जो होता है ना बेसिकली जो हमारे पास येलो सॉरी रेड और हमारा ग्रीन जो होता है वो कंबाइन होता है, वो हमारे पास लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है, तो हमारे पास एवीएल बन जाता है, ठीक है। अब एवीएफ कैसे होता है कि हमारे पास जो ग्रीन और रेड एवीएल एवीएफ कैसे बनता है, एवीएफ बेसिकली हमारे पास बनता है अच्छा ये एवीएफ है, एवीएफ कैसे बना है, एवीएफ हमारे पास बना है जब हमारे पास आया है रेड और जो येलो आपस में कंबाइन हुए हैं, मतलब उनकी जो उनका जो हमारे पास ऑगमेंटेड वेव है, ठीक है, तो उससे हमारे वो फिर मूव करती है टुवर्ड द लेफ्ट लेग की तरफ, ठीक है, तो उससे हमारे पास बनेगा एवीएफ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, देखो हार्ट में किस तरफ जाता है, एस एस ए वी और फिर हमारे पास बंडल ऑफ फेस ऊपर कंजी फाइबर और फिर वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम लीड वन टू और थ्री की बात करते हैं ना, तो अब हम मैं बोलूँ कि लीड वन टू और थ्री में किस में सबसे हाईएस्ट पीक आएगी, तो ऑब्वियसली जो लीड लीड देखो जो लीड टू है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लो ऑफ करंट की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पीक आएगी। फिर हमारे पास जो लीड थ्री है उस पर सेकेंड हाईएस्ट पीक आएगी, और लीड वन जो ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रेट सा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे लोएस्ट पीक आएगी, ठीक है।